श्री बांके बिहारी भागवत प्रचार समिति की ओर से साईंदा स्कूल की ग्राउंड में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिन की शुरुआत नारद व्यास संवाद पांडव चरित्र एवं श्री शुकदेव आगमन के साथ हुई। कथावाचक विश्व विख्यात भागवत कथा व्यास श्रद्धेय आचार्य गौरव कृष्ण महाराज ने कथा की शुरुआत श्याम सुंदर मनोहर बरन भजन सुनाकर की, जिसके बाद आचार्य गौरव कृष्ण महाराज ने कहा कि सागर भले ही न मिले पर सागर की बूंद मिल जाए सबसे बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि सोए हुए इंसान को जागना होगा, क्योंकि एक दिन ऐसा सोना है कि कोई उठाने वाला नहीं होगा। यह समय प्रभु की कृपा से मिला है, उसकी रजा में जीवन गुजारो, इधर उधर भटकना बंद करो। सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे लेकिन प्रभु के दरवाजे खुले रहेंगे। इस दौरान आचार्य गौरव कृष्ण महाराज ने कथा के बीच दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज के माध्यम से श्री देवी तालाब मंदिर आने के लिए दिए गए आमंत्रण को स्वीकारा और कहा कि सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर की महिमा अपरंपार है। वहां साक्षात मां दुर्गा का वास है और शीतल विज ने उन्हें मंदिर में आने का आग्रह किया है। उसे वे प्रसाद मानकर स्वीकार करते हैं कि वे जल्द ही मंदिर आएंगे। तो वहीं कथा प्रारंभ से पहले श्री बांके बिहारी भागवत प्रचार समिति की ओर से व्यास पीठ की आरती की गई, जिसमें दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, सांसद सुशील रिंकू की धर्मपत्नी सुनीता रिंकू, सचदेवा साड़ी से हरीश सचदेवा ने मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर अध्यक्ष ब्रिजेश जुनेजा, प्रधान सुनील नैयर, उप प्रधान एडवोकेट उमेश ओहरी, महासचिव संदीप मलिक, कोषाध्यक्ष चंदन वडेरा, उप कोषाध्यक्ष ब्रिज मोहन चड्डा, विशेष सलाहकार महेश मखीजा, सह सचिव नरेंद्र वर्मा, बलविंदर शर्मा, रिंकू मल्होत्रा, संजय सहगल, भूपिंदर सिंह बिल्ला, अश्विनी कुमार आशु, अंकुश जुनेजा, विकास ग्रोवर, राहुल बहारी, राजवंश मल्होत्रा, राजेश बीगामल, तरुण सरीन, अरुण मल्होत्रा, दविंदर अरोड़ा, राजकुमार शर्मा, जितेंद्र कुमार सोनू, हेमंत थापर, विनोद खेड़ा, सुमित गोयल, सोनू चोपड़ा, दविंदर वर्मा, राजू मखीजा, शिवम मखीजा, अजय लाली, सौरभ शर्मा, अर्जुन मल्होत्रा सहित बड़ी संख्या में प्रभु भक्त शामिल रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत और पवन कनोचिया की रिपोर्ट। दरबार की हे गोपाल मदन
हे गोपाल।